क्लास फोर की एक्सरसाइज 6.7, इसमें टोटल 13 सम है, तो आज हम इसके 4 सम करेंगे। बिल्कुल सिंपल सिंपल सम है, लेकिन इनमें थोड़ा सा आगे है कि पहले डिवाइड हो गया फिर मल्टीपल हो गया, इस तरह से है ये। ठीक है, तो पहला सम है, इफ द कॉस्ट ऑफ 5 लीटर ऑफ ऑयल इज 270 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 9 लीटर ऑफ ऑयल। 5 लीटर की दे रखी है हमें और 9 लीटर की बतानी है, तो पहले हमें मल की निकालनी पड़ेगी। क्लास फोर EX 6.7, फर्स्ट सम है कॉस्ट ऑफ 5L ऑयल, L लीटर होता है, 270 रुपीज, ये लाइन नीचे लिखी जाएगी, कॉस्ट ऑफ 1L ऑयल, तो 1 की कम होगी, 270 को 5 से डिवाइड करोगे कितना बनेगा, 54 आता है, ये डिवाइड आपने करना है। ठीक है, फिर आगे कॉस्ट ऑफ 9L ऑयल, 9L ऑयल की यानी 9 लीटर ऑयल की बतानी है और 1 की आई है 54, 9 से इसको मल्टीपल करके जितना आंसर बनता है वो आपने लिख देना है। 9 4 36 3 9 5 45 और 3 86, बिल्कुल सिंपल सम है। फर्स्ट लाइन लिखनी है कॉस्ट ऑफ 5 लीटर ऑयल, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर की निकालेंगे, 1 की कम होती है, ठीक है, इतनी आएगी, 1 कम के लिए डिवाइड किया जाता है, और कॉस्ट ऑफ 9 लीटर, 1 की 54 है तो 9 की ज्यादा होगी, 54 को 9 से मल्टीपल कर देना। इसी तरह अगला है, द कॉस्ट ऑफ 12 मीटर पाइप इज 48 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 11 मीटर पाइप। सेकेंड सम, जहां ऑयल लिखा है वहां पाइप लिखना है, ये नंबर बदलनी है, बस सारा कुछ वही है। कॉस्ट ऑफ 12 मीटर पाइप 48 रुपीज, फिर यही लाइन नीचे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर पाइप 48 डिवाइड 12 यानी 4 रुपए की 1 मीटर पाइप है, और पाइप खरीदी कितनी है, कॉस्ट ऑफ 11 मीटर पाइप 4 × 11 यानी 44 रुपीज, बिल्कुल सिंपल है। कॉस्ट ऑफ 12 मीटर पाइप 48 रुपीज, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर पाइप 48 डिवाइड 12 4 रुपीज, कॉस्ट ऑफ 11 मीटर पाइप 4 × 11 4 से इसको मल्टीपल करोगे 44 रुपीज आएगा। ठीक है, थर्ड सम, थर्ड सम है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 9 बुक्स इफ द कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स इज 2950 रुपीज, सेम वही है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स 2950 रुपीज, कॉस्ट ऑफ 1 बुक 2950 डिवाइड 5, तो इसको 5 से डिवाइड करोगे कितना बनेगा, 590 आएगा, 5 से आप इसको डिवाइड कर लेना, यानी एक बुक की कॉस्ट है 590 और कॉस्ट ऑफ 9 बुक्स 590 × 9, इसको मल्टीपल कर लेना कितना बनेगा, ये 5310 रुपीज, 5310 रुपीज, सिंपल सम है। कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स इतनी, कॉस्ट ऑफ 1 की कम होगी, कम के लिए हमने इसको डिवाइड किया, 590 रुपीज आ गया। कॉस्ट ऑफ 9 बुक्स 590 को 9 से मल्टीपल करेंगे, 5310 रुपीज आएगा। फोर्थ सम है, अनंत कैन मेक 57 बास्केट इन 3 डेज, कि 3 दिन में 57 बास्केट बना सकता है, हाउ मेनी बास्केट कैन ही मेड इन 2 वीक, 2 वीक में कितनी बास्केट बनाएगा, तो बास्केट मेक इन 3 डेज, फोर्थ सम है, तो उसकी स्टेटमेंट क्या होगी, बास्केट मेड इन
थ्री डेज 57, बास्केट मेड इन वन डे, एक दिन में कितनी बनाया, एक दिन में कम बनाएगा तो कम के लिए इसको डिवाइड, 19 बास्केट बनेगी। बास्केट में क्या होता है, टोकरियां। आगे टू वीक में बनानी है, ठीक है, तो टू वीक, वन वीक में 7 डेज होते हैं, टू वीक में कितने डेज हो जाएंगे, 14। बास्केट मेक इन 14 डेज, 19 मल्टीपल 14, इनकी मल्टीपल करोगे 286 आएगा, सॉरी 266 आएगा, ठीक है। तो बास्केट मेक इन 3 डेज 57, बास्केट मेक इन 1 डे, 1 के लिए डिवाइड, ठीक है, 57 को 3 से डिवाइड, 19। बास्केट मेक इन 14 डेज, 2 वीक में 14 डेज होते हैं, इनकी मल्टीपल कर देना, ठीक है। तो ये फोरसम करने के बाद आपने टेबल लिखनी है, जैसे डेली लिखते हो, टेबल है आज की 20, राइट एंड लर्न 3 टाइम्स एक पेज के ऊपर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।